पायस है। साथ मैं लौकी का कोफ्ता बनाने जा रही हूँ। ये मैंने लौकी को ग्रेट कर लिया है, उसमें बेसन डाला है हाफ कप, एक लौकी पूरी थी इसको ग्रेट कर चुकी, ये मैं इतना आया है। इसमें मैंने हाफ कप बेसन दिया है, मिर्च दिया है, मिर्च आप अपने स्वादानुसार दे सकते हैं, और नमक डाला है वो भी अपने आप स्वाद के अनुसार दे सकते हैं। और इसमें मैंने धनिया, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार डालना है। ये मैं थोड़ी, ये है मसाले, इसमें मैंने धनिया है एक चम्मच, धनिया 2 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच, जीरा, मिर्च स्वाद के अनुसार, और नमक आप स्वादानुसार डालिए, और 2 हरी मिर्चें। और मैं इसमें ग्रेवी में थोड़ा सा दही डालूंगी, दही भी मैं 2 चम्मच डालूंगी, आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। ये कोफ्ते की पकौड़ियाँ जो मैं इस अप्पम मेकर में बनाऊंगी, ये मैंने थोड़ा तेल डाला है, तेल जब गर्म हो जाएगा उसमें मैं ये अपना बैटर डालूंगी। ये कोफ्ते की पकौड़ियाँ बन गई, एक साइड से जब सिक जाएगा इसको मैं पलट दूंगी दूसरे साइड में। जिंजर, गार्लिक, ओनियन एंड टमाटो का पेस्ट बना लिया है मैंने। ये तेल गरम हो चुका है, मैं जीरा डालूंगी, इसके बाद मैं प्याज, ये मैंने पेस्ट डाल दिया है, ये ओनियन, टोमेटो, जिंजर, गार्लिक, इन सबका पेस्ट बना दिया। थोड़ा लाल भुन जाने के बाद ये सारा मसाला डाल, थोड़ी सी मैं 2 चम्मच दही भी डालूंगी, और बहुत अच्छे से लाल होने तक इसको भूनना है, जब तक थोड़ा तेल ना निकल जाए तब तक भूनना है। ये देखिए मेरे कोफ्ते बनके तैयार हैं, ये लौकी के कोफ्ते, आप भी बनाइए और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी वेरी मच।